नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने पथरी की समस्या को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों आए दिन हर 5 में से 3 व्यक्ति को पथरी की बीमारी अभी हो रहा है। इससे आप बचने के लिए अपने भोजन को बिल्कुल सादा कर लें, यानी कि आपको जो भी घर पर भोजन तैयार हो रहा है उसी भोजन को आप करें। आप बाहर से कुछ भी खाए पिए ना, तब जा कर के आप अपनी सेहत में कुछ सुधार ला सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को पथरी हो गया है तो उससे वो कैसे छुटकारा पा सकता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें लेना होगा आम के पत्तियों को। दोस्तों ये नुस्खा इतना सिंपल होगा, इतना किफ़ायती होगा कि आप इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकेंगे। आपको यहाँ पर आम की कुछ ताज़ी पत्तियाँ लेना है और उसे पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद आप इसे पीस करके इसका आप पेस्ट तैयार करें। इसका आप जब पेस्ट तैयार करेंगे तब आप छननी की मदद से इसे छान करके इसका जूस अलग कर लें और जो पेस्ट होगा उसको अलग कर लें। यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा इसके जूस को। आप इस आम के पत्ते के जूस में ऐड करेंगे वो है नींबू का। नींबू का जो आधा कटा हुआ भाग होता है उसको ही आपको यहाँ पर इसे इस्तेमाल करना है। इसमें आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद से आपको इसे पी जाना है। आपको इसे पीना होगा सुबह खाली पेट। लगातार अगर आप 15 दिनों तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और आप अपने पथरी को ख़त्म ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी यही तक। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।